पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग को और बैकलॉग फ्री इंजीनियरिंग करना चाहते हो, विदाउट इटिकेट इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट के लिए विथ न्यूली 2024 पैटर्न के स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली अपडेटेड एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेस आपको मिलेंगे जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पर। एकदम सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको पूरा पढ़ाया गया है, तो जाइए डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है। और जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है, उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड ऑल द पीवाईक्यू सॉल्यूशन इंक्लूडेड लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर का आपको एक्सेस मिलेगा जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे। सो इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर पोटेंशियल, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ बैकलॉग फ्री स्टूडेंट, देन कनेक्ट विद मी एट जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। सोलर बीम ऑफ सेक्शन 300 mm वाइड एंड 600 mm डीप। वाइड और डीप मतलब 300 mm वाइड और 600 mm डीप। तो डीप ज्यादा है तो इस प्रकार से होगा, ये हो गया आपका 300 mm वाइड और 600 mm डेप। ठीक है, इज सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या होता है? सिंपली इसको क्या क्या आपने सपोर्ट दिया है? सिंपली सपोर्टेड कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसके ऊपर क्या है आपका? यूडीएल भी है और उसकी वैल्यू बताई है 50 kN/m ऑन एंटायर स्पैन ऑफ 4 m। तो इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 4 m है। फाइंड मैक्सिमम बेंडिंग ट्रेस एंड ड्रॉ बेंडिंग ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो सिग्मा बी मैक्स निकालना है हमें और बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बेंडिंग ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी निकालने। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई। तो इसमें से आपको एम फाइंड करना है, आई फाइंड करना है और वाई फाइंड करना है। तो वाई तो सिंपल है, इस प्रकार से आएगा वाई 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 बार आएगा आपका 600 डिवाइड बाई टू, तो आएगा आपका 300। इसका सेंटर ये हो गया आपका वाई बार। ठीक है, अब मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड और क्या बताया है? यूडीएल है। सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल जब होगा तो मोमेंट का फॉर्मूला होगा m is equal to wl square upon h when simply supported beam with udl then w is equal to m is equal to aega apka wl square divided by h डब्ल्यू एल स्क्वेयर डिवाइड बाय 8। अब डब्ल्यू मतलब ये 50 kN, देन एल है आपका 4 डिवाइड बाय 8, 4 का स्क्वेयर करेंगे 4 स्क्वेयर, तो मी एल इज इक्वल टू 4 m, सो 4000 mm। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं 4000 स्क्वायर। लास्ट में भी आप कर सकते हो mm स्क्वायर, यहां पे भी किया तो भी चलेगा। तो आंसर कितना आएगा? इज इक्वल टू 1 × 10⁸ आएगा। सिक्स, हाँ राइट, 1 × 10⁸ और 100 × 10⁶ दोनों भी सेम है। तो मोमेंट मिल गया आपको, देन y की वैल्यू पता है। अब i कैसे फाइंड करेंगे आप? कौन सा फॉर्मूला i का? bd क्यूब डिवाइड बाय 12। तो b मतलब है 300, तो 300 × 600³ डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 5.4 × 10⁹ mm पावर 4। तो
आपके पास y बार मिल गया आपको, m की वैल्यू मिल गई आपको, देन और क्या चाहिए था, i की वैल्यू मिल गया आपको। तो जस्ट अभी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, तो m की वैल्यू है 1 × 10⁸, y की वैल्यू है 300 और i की वैल्यू है आपकी 5.4 × 10⁹। तो सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा मैक्स आएगा 5.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, अब जब सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल होगा तो आपका जो डायग्राम आएगा वो इस प्रकार से होगा, यही पे निकलता हूं मैं। तो यहां पे होगा आपका सिग्मा मैक्स, इस पॉइंट पे होगा सिग्मा मैक्स। ये हो गया आपका ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अ स्क्वायर बीम 20 mm × 20 mm इन सेक्शन एंड 2 meter लॉन्ग सपोर्टेड एट द एंड्स, द बीम फेल्स व्हेन पॉइंट लोड ऑफ 400 N इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम, व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर लेंथ विल ब्रेक अ कैंटिलीवर ऑफ द सेम मटेरियल 40 mm वाइड, 50 mm डीप एंड 2 meter लॉन्ग। तो इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअली 2 questions पूछे, तो यहां तक आपका 1 question है एंड इसके बाद अलग क्वेश्चन है। तो पहले तो डायग्राम निकालो स्क्वायर का और स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड करो कितना आता है। अब यहाँ पे आपको बताया है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसका सारे साइड्स आपके सेम होंगे, तो उस साइड से यहाँ पे बताया है आपको 20 और 20 है, तो आई क्या आएगा आपका, ए का पावर 4 होता है डिवाइड बाय 12 या फिर बीडी क्यूब डिवाइड बाय 12 किया तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो कितना आएगा ये 20 का पावर 4 डिवाइड बाय 12, तो आई की वैल्यू कुछ तो भी आएगी। देन लेंथ दिया है आपको 2 meter, तो उसको आप mm में कन्वर्ट कर सकते हो 2000 mm या फिर 2 × 10�³ mm। Then a beam fails and point load 400 N is applied at the center of the beam. मतलब एक beam है और उसके center पर load act किया है। तो जब एक simple beam होता है और वहां पे center पे load होता है तो आपका moment का maximum moment क्या होता है, m max होता है आपका w l upon 4, क्या होता है w l upon 4। तो W कितना है यहाँ पे, W की वैल्यू कितनी है 400 N, तो I की वैल्यू मिल जाएगी, M की वैल्यू मिल जाएगी, Y Y कितना आएगा यहाँ पे, Y बार 20 / 2 मतलब 10, ये जो हाइट है 20 / 2 इज इक्वल टू 10। तो सिग्मा मैक्स, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 400 / 12 13.33 × 10�³, ये आपके आई की वैल्यू। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एम कितना आएगा 400 × 2000 / 4, तो एम मैक्स आएगा आपका
टू इंटू 10^5 जस्ट वैल्यू पुट करना है, 2 × 10^5 × 10 डिवाइड बाय 13.33 × 10^3। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी एक बार कैल्सियम में पुट करके बताइए। 50 क्रॉस चेक करिए तो ये आंसर या नहीं। अब इसके बाद आपको पता है कैंटिलीवर बीम और उसके साथ क्या है यूडीएल है। कैंटिलीवर बीम और उसके साथ ही साथ आपको यूडीएल भी बताया है, तो यहाँ पे लेंथ भी नया दिया है एंड वापस आपका जो ऑब्जेक्ट है 40 mm वाइड 60 mm डीप है, तो पूरी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो फॉर कैंटिलीवर बीम और कैंटिलीवर बीम क्या बताया है, यूडीएल बताया है एंड लेंथ विल ब्रेक कैंटिलीवर द सेम मटेरियल 40 mm वाइड 60 mm डीप एंड 3 meter लॉन्ग। तो एल दिया है आपको यहाँ पे 3 meter मतलब 3000 mm देन 60 mm डीप एंड 40 mm वाइड एंड 60 mm डीप 40 mm वाइड एंड 60 mm डीप मतलब इस प्रकार से होगा 40 mm वाइड एंड 60 mm डीप। तो यहाँ पे y बार क्या होगा 60 डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 30 देन I आएगा आपका बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 दैट इज 40 × 60 का क्यूब डिवाइड बाय 12 तो आई की वैल्यू बताइए कितना आएगा। देन यहाँ पे अभी यूडीएल है और कैंटिलीवर भी में, तो कैंटिलीवर और यूडीएल जब होगा तब आपको जो फॉर्मूला होगा मोमेंट का वो होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फॉर कैंटिलीवर एंड यूडीएल। तो आपका एम मैक्स का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो आपको यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और सिग्मा मैक्स जो यहाँ पे आया है वही लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया आपको सेम मटेरियल बोला है तो यही सिग्मा मैक्स यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे आएगा आपका W as it is 3000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 3000 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 10^3 4.5 × 10^3 W then 10^3 तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपकी 4.5 × 10^3 डब्ल्यू, वाई की वैल्यू है आपकी 30 और आई की वैल्यू है आपकी 4.5 720 × 10^3 इसको कट करो एंड डब्ल्यू का आंसर कितना था बताओ। ठीक है यहाँ पे आएगा 6 यहाँ पे भी आएगा 6 तो डब्ल्यू कितना आएगा सो डब्ल्यू से आंसर आ 0.8
सो आपण ह्या एक्झाम्पल मध्ये सगळे एमएम मध्ये कन्वर्ट केले होते, जसं की हा एमएम मध्ये आहे, लेंथ सुद्धा एमएम मध्ये घेतली आहे, सो याचा आन्सर सुद्धा काय येणार, न्यूटन पर एमएम मध्ये येणार. अँड एमएम टू मीटर मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर काय करतो आपण, एमएम टू मीटर में अगर कन्वर्ट करना है मुझे तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 0.8 न्यूटन और एमएम की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 × 10⁻³ मीटर. ठीक है, 1 mm मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है. सो माइनस थ्री ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर. तो आपका फाइनल आंसर आएगा 800 न्यूटन मीटर. ये सारे वैल्यू एमएम में लिखे थे तो आपका आंसर भी न्यूटन पर एमएम में ही आना चाहिए था. 0.8 न्यूटन पर एमएम आता है और 1 mm मतलब होता है 10⁻³ मीटर. ये आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर मतलब होता है 1 × 10³ mm और 1 mm होता है 1 × 10⁻³ मीटर. तो एमएम की जगह पे मैंने पुट किया 1 × 10⁻³ मीटर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. चलो इसको आप होमवर्क के तरह सॉल्व करो बाद में, ये भी वैसे ही है. चलो एक सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है, सिंपली सपोर्टेड बीम इज 10 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दिया है आपको, लेंथ दिया है आपको 10 मीटर लॉन्ग, तो 10 × 10³ mm बन जाएगा. कैरीज यूडीएल 40 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर एंटर स्पैन, सिंपली सपोर्टेड है और यूडीएल भी है, तो किस प्रकार से होगा फिर, किस प्रकार से होगा आपका, सिंपली सपोर्टेड और उसके ऊपर यूडीएल भी है, एंटर स्पैन कितना है यूडीएल, 40 किलोन्यूटन पर मीटर. Calculate the maximum stress produced due to bending. Also draw bending stress distribution diagram across the depth. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, तो वाई बार यहां से मिल सकते हैं डायरेक्टली. अब ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो y बार कितना आएगा डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करके बताओ, 20 + 20 + 40 + 360 = 400 / 200. अब सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल है तो फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपली सपोर्टेड और यूडीएल, अभी लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लिया था आज ही, राइट, सिंपली सपोर्टेड एंड यूडीएल, सिंपली सपोर्टेड एंड यूडीएल, देन आपका मोमेंट क्या आएगा, एम एक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 8. तो इसके जो भी कंडीशन है वो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, सिंपली सपोर्ट के लिए, कैंटिलीवर के लिए, देन सिंपली सपोर्टेड विद सेंट्रल लोड, तो चार कंडीशन है, तीन चार कंडीशन, तो उसको आपको याद रखना है. तो एम एक्स कितना आएगा, (40 × 10 × 10⁻³)² / 8. तो एक बार इसका आंसर बताइए, एम मैक्स का कितना आंसर आता है, (5 × 10⁸) आ रहेगा, 5 × 10⁸ न्यूटन mm, न्यूटन mm. डायरेक्टली आप सिमेट्रिकल है तो डायरेक्टली आप सेंटर पे ले सकते हो, तो ये y बार आएगा आपका, y बार इज इक्वल टू
पूरे वाई एक्सिस का डिस्टेंस 400 है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 200 आएगा। तो वाई बार मिल गया आपको 200, देन आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे तीन पार्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड सेम है तो उसको मैं दो बार लिखता हूँ, 2IXX1 और IXX2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा आपका, 2 ब्रैकेट BD क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 या फिर A H, एरिया 1 H1 ही लिखता हूँ मैं फर्स्ट के लिए, देन प्लस सेकंड में BD क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 2 H2, इसका स्क्वायर करना है A2 के लिए। तो यहाँ पे अब Y1 क्या होगा, 20 का हाफ करेंगे तो Y1 आएगा 20/2 दैट इज 10, देन Y2 आएगा आपका, Y2 कितना आएगा, Y2 का डिस्टेंस है 360 Y एक्सिस का, तो उसको आप करेंगे 180 और बॉटम का 20, सो 20 प्लस 180 तो Y2 का सेम आएगा 200। फिर H1 क्या होता है, Y बार माइनस Y1, और H2 क्या होता है, Y बार माइनस Y2। ये सारे वैल्यू पुट करो, 272.61 फाइनल आंसर। मेरे पास जो है वो 304.9 है, तो एक बार देखते हैं अपन कैलकुलेट करके कितना आता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 ब्रैकेट, अब फर्स्ट पार्ट के लिए बेस 200 है और डेप्थ कितना है 20 है, बी की वैल्यू 200 है और डी की वैल्यू 20 है। पार्ट के लिए बी की वैल्यू 200 है तो 200 इंटू 20 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया आएगा आपका 200 इंटू 20 और H1 आएगा आपका, Y बार है आपका 200 और Y1 है आपका 10, उसका करेंगे स्क्वायर, ये हो गया पहला पार्ट। प्लस सेकंड पार्ट के लिए अब बेस वैल्यू है आपकी 20, सॉरी बेस वैल्यू कितना है आपके यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए 10 है, तो 10 इंटू 360 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया आएगा 10 इंटू 360 और यहाँ पे Y2 क्या आएगा, Y2 आएगा 0 क्योंकि 200 माइनस 200 तो उसका करेंगे स्क्वायर तो भी आंसर आने का 0। तो I की वैल्यू बताइए कितना आता है, Three twenty seven point nine four into ten raised to 6, right? mm4। तो ये सही आंसर है 327.94। तो आपके पास y बार है, आपके पास i है, आपके पास m है, तो आपको क्या निकलना है, बस सिग्मा निकलना है। तो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू my अपॉन i, तो इसमें बस वैल्यू पुट करो, फाइव इंटू 10^8 इंटू, तो सिग्मा मैक्स आएगा आपका 304.92। तो टेंपर mm स्क्वायर इस प्रकार से आपका आएगा डायग्राम। अब मैं शॉर्ट में निकल रहा हूँ, फ्री हैंड ही निकल रहा हूँ मैं, सिमेट्रिक नहीं लग रहा है ना। नहीं
वेरी ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ठीक है, सो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप फोटो निकाल सकते हो, इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे आंसर भेज दीजिए। ठीक है,